अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल फूड वाली बाइस। मैं जला रही हूँ आग, यहाँ लकड़ी पे मैं बनाऊंगी गजरेला बनाऊंगी। और मुझे तो आग जलाने आती नहीं है, पर ट्राई कर रही हूँ जलाने की। तो अभी तो मैं कामयाब हो ही गई हूँ आग जलाने में। ये घर पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इसके ऊपर हम लगा देंगे। अभी अच्छे से जल जाएगी, फिर इसके ऊपर मैं पतीला रखूँगी। आग की आवाज़ चेक करें, कितने मज़े की आ रही है लकड़ियाँ जलने की आवाज़। इसको इसलिए रखा जाता है कि जो पतीला जो है वो हमारा बिल्कुल भी काला ना हो, और काफ़ी बच जाता है। और अगर पतीले को इस पर रखने से पहले आग पर आप ऑयल लगा लेंगे सरसों का, तो वो बिल्कुल भी जो है वो आपका काला तो होगा, लेकिन जब आप वॉश करेंगे तो वो इजीली वॉश हो जाएगा। 1 कप ऐड करेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इसको गर्म, जब तक ये गर्म होगा अच्छे से गर्म करेंगे, फिर इसमें ऐड करूँगी मैं गाजर जो कि मैंने क्रश की हुई है 3 kg। गजरेले को जो है मैंने ऑयल में ऐड कर लिया है, और अब मैं इसको अच्छे से ऑयल में भूनूंगी। आग मुझे तेज करनी पड़ेगी। सर्दी जो है वो बहुत हद से ज़्यादा है, इतनी सर्दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस वक्त जो है वो रात का टाइम है, शाम का, और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, और सर्दी में ये गजरेला जो है ये बहुत ही आला डिश है। गाजर जो है वो अच्छे से भून चुकी है, ऑयल आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जो है वो शुगर, और अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीनी जो है वो कभी फीकी होती है और कभी बहुत ज़्यादा तेज भी होती है। इस पॉइंट पे इसमें हम ऐड करेंगे 3 लीटर जो है वो मिल्क, कोई सा भी आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं।
अब 10 मिनट इसको मैं फुल आग पर पकाऊंगी और 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स अब इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद इलायची 5 से 6 अदद और इसको मज़ीद हम पकाएंगे। दूध जो है वो बिल्कुल हमने खुश्क करना है। अभी इसमें ऐड करूंगी थोड़े से बादाम, बाकी जो है वो एंड पे इसमें ऐड करेंगे और जो जो ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहें इसमें कर सकते हैं। इस पॉइंट पे इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई मिल्क यानी कि खुश्क दूध पाउडर वाला और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम ये ऐड करेंगे। मैंने नीडो लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब लास्ट में जाएगा इसमें खोया। खोया आप जितना मर्ज़ी ऐड करें, मैं अभी हाफ ऐड कर रही हूँ, मतलब कि 3 टेबलस्पून होगा ये, और बाकी जो है मैं गार्निश करूँगी एंड पे। ऑयल जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वो अलग हो चुका है और दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा ढीला है, बस थोड़ा सा इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी। अब लास्ट में इसमें ऐड करूंगी अखरोट और बादाम जो कि मैंने बारीक कट किए हुए हैं और हाफ जो है वो मैं गार्निश के लिए रखूंगी। ये हो चुका है बिल्कुल डन और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। लीजिए व्यूवर्स, मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।